आदरणीय व्यापारी भाइयों, अमर ज्योति डायरेक्टरी से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। आज मैं दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट .com ई डायरेक्टरी सासुराय के साथ टीम के साथ मैं साक्षात करने के लिए दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के कार्य सचिव और समाज के सेवी जाने माने मानव धर्मार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष को सुशोभित वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान के महामंत्री अग्रवाल समाज की बहुत सी संस्थाओं से जुड़े हुए श्री भारत भूषण जी गुप्ता, जो 38 वर्षों से दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट सब कार्यालय पर सुशोभित है, उनसे मैं आज साक्षात करने के लिए कार्यालय में उपस्थित हुआ हूँ। भारत भूषण जी नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं भारत भूषण गुप्ता दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन में कार्यालय सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। 16 अप्रैल 1980 को मैंने ये संस्था ज्वाइन की थी, तभी से 38-39 वर्षों से मैं यहाँ व्यापारी समाज की सेवा कर रहा हूँ। सन 1983 में मेरा श्री हनुमानमल जैन जी से व्यक्तिगत रूप से परिचय हुआ। वैसे तो खैर मैं इनका नाम से तो पहले भी जानता था, लेकिन उस समय अपने नए बाजार के अंदर एक पॉकेट साइज डायरेक्टरी अमर ज्योति डायरेक्टरी के नाम से बहुत प्रचलित थी। उस डायरेक्टरी से जानकारी लेकर उससे प्रेरित होकर हमने विचार किया कि हम अपनी संस्था की ओर से अपने सदस्यों की एक डायरेक्टरी प्रकाशित करें, जिसके लिए हमने श्री हनुमानमल जैन से संपर्क किया और उनका अनुभव लेने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया कि इस डायरेक्टरी के प्रकाशन में आप हमें सहयोग दें। मैं हनुमानमल जैन जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने बिल्कुल कुछ भी बिना सोचे एकदम हमें स्वीकृति दे दी कि व्यापारी समाज के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ और आप मेरे से जिस प्रकार का भी सहयोग लेना चाहें मैं वो सहयोग आपको दूंगा। और इन्होंने उस अपने वचन को पूरा भी किया। उस डायरेक्टरी के प्रकाशन में इनका हमें पूरा सहयोग मिला, इनके सहयोग से वो डायरेक्टरी प्रकाशित हुई। हालांकि उसके बाद तो दिल्ली ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन ने अपने सदस्यों के कई डायरेक्टरी प्रकाशित की, लेकिन सबसे शुरू में हनुमानमल जैन जी ने जो सहयोग दिया वो मैं आज भी नहीं भूला हूँ। मैं इनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज मुझे जानकारी मिली कि ये ग्रैंड मर्चेंट्स के लिए ई डायरेक्टरी चला रहे हैं। मुझे हृदय से खुशी हुई कि आज ये व्यक्ति इस उम्र में आकर भी, अपने जो उम्र का अंतिम पड़ाव है उसमें भी व्यापारी समाज के लिए इतना कर्मठ है कि आज भी उनको एक सूत्र में बांधने के लिए ई डायरेक्टरी प्रकाशित कर रहे हैं। मैं हनुमानमल जैन जी से भी थोड़ा सा इस बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहूंगा कि ये ई डायरेक्टरी क्या चीज है। हाँ जी, भारत भूषण जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि ई डायरेक्टरी की क्या जरूरत है। ये जिज्ञासा क्यों की हो सकती है, जैसे आपने कहा इस पड़ाव में आकर के ये डायरेक्टरी के बारे में सोचा। भारत भूषण जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया और मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ और व्यापारी भाइयों को भी देना चाहता हूँ कि जैसा आपको ज्ञात है, मुझे 53 साल इस नया बाजार में, मैं गंगा शहर राजस्थान से आया था, तब से नया बाजार से ही मेरा या सहयोग यहीं से मुझे प्राप्त होता रहा है। उस नया बाजार को मैं कैसे भारत भूषण जी भूल सकता हूँ। आप भी 38 या 40 साल या 35 साल जैसा ही है आप देख रहे हैं, इसलिए मैं जिज्ञासा पैदा हुई। इसका श्रेय मैं श्री आशीर्वाद जी को देना चाहता हूँ कि 20 साल से डिजाइन का और का नया बाजार में अच्छा कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि बाबू जी यदि ऐसा आप करें तो आपकी जो भावना है सेवा की वो पूरी हो सकती है। और व्यापारियों को जो आपने पेपरलेस डायरेक्टिव देते रहे थे, इस डायरेक्टिव के माध्यम से दिल्ली नहीं, भारत भी नहीं, पूरा विश्व इसका फायदा उठा सकता है।
ये टेबल में या अटैचिंग लकड़ी वाली चीज नहीं है, ये मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा कहीं भी आप इसको देख सकते हैं। मैं आशीर्वाद जी का भी आभारी हूँ और आज भारत भूषण जी से कहा है, आपने जो प्रश्न किया भारत भूषण जी, इसका यही है कि मैं व्यापारी भाइयों की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं, ऐसी मेरी भावना है। अब ये अभिनंदन का जो चल रहा है मेरा, इससे थोड़ा सा मैं अपने स्वार्थ के लिए कि जिससे मुझे खुशी मिल सके, इन लोगों ने जिन्होंने 53 साल मुझे साथ दिया, सहयोग दिया, आज तक दे रहे, उनका साक्षात्कार करूं और उनका मैं सम्मान करके अपने आप को खुशी प्रकट कर सकूं। मैं हनुमान मल जैन जी की इस कृतज्ञता के आगे नमन करता हूं और इनकी ई डायरेक्टरी की सफलता के लिए शुभकामना करता हूं। यह इन्होंने एक बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है व्यापारी समाज के लिए, इससे सभी व्यापारी लाभान्वित होंगे और दिल्ली का अनाज व्यापार जो नए बाजार में या दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में चल रहा है वो और अधिक विकसित हो सकता है। इस ई डायरेक्टरी के माध्यम से कोई भी व्यापारी अपनी पहचान विश्व के किसी भी कोने में पहुंचा सकता है। इससे व्यापारियों को आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और उनकी ख्याति भी बढ़ेगी। यह हनुमान मल जैन जी का एक अच्छा कदम है और मैं तो इनको पिछले 35-36 सालों से बराबर देखता आ रहा हूं। बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और लगन के साथ काम करते हैं, जो ये सोच लेते हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं और प्रभु की कृपा से इनको सफलता भी मिलती है। मैं तो इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं इस बारे में। इन्होंने पीछे जैन संजोग पत्रिका के माध्यम से समाज में जो अविवाहित बच्चे थे उनके विवाह के लिए कार्यक्रम चलाया, उसमें भी इन्हें काफ़ी सफलता मिली। मैं इनकी सफलता की और शुभकामना करता हूं कि इनको आगे बढ़ने में कोई भी तकलीफ ना आए और ये ई डायरेक्टरी का काम जो इन्होंने शुरू किया है ये बहुत ही व्यापार समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम है। इसमें इन्होंने आसू राय जी की जो सेवाएं ली वो बहुत सराहनीय है। आसू राय जी बहुत लगन के साथ इनको अपना सहयोग दे रहे हैं। आसू राय जी नए बाजार में ही पहले अपने डिजाइनिंग का काम चला रहे थे, अब भी चला रहे हैं और बहुत नेक दिल इंसान है। मेरा इनसे कई बार परिचय हुआ, मैं इनकी दुकान पर जब भी काम के लिए जाता था तो ये पूरा मान सम्मान देते थे। तो इससे इनके व्यवहार के बारे में पता चलता है कि ये कितने व्यवहार कुशल हैं। हालांकि व्यापारी तो हर ग्राहक का सम्मान करता है लेकिन इनके अंदर एक और खूबी है कि बड़े विनम्र हैं और विनम्रता से साथ अपना व्यापार चलाते हैं। तो मैं इनके भी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये और आगे बढ़ते जाएं। नया बाजार अनाज की मार्केट है, यहाँ पे ज्यादातर अनाज व्यापारी हैं और जैसा कि हनुमान मल जैन जी ने बताया कि पिछले 53 वर्षों से यही नए बाजार से जुड़े हुए हैं। वास्तव में इन्होंने बहुत मेहनत की है, प्रभु इन्हें सफलता दे। मैं आज एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जनता की अदालत, जिसमें हनुमान मल जैन जी का साक्षात्कार छपा हुआ है। मैंने इसमें पढ़ा कि हनुमान मल जैन जी ने अपने साक्षात्कार में कहा कि मुझे विश्वास है कि कभी भी हमारे देश की जरूरत होगी तो मैं जैन समाज से बड़ा सहयोग करवाने की क्षमता रखता हूं। वास्तव में ये क्षमता रखते हैं, मुझे इनकी बात पर पूरा विश्वास है और आचार्य तुलसी जी के साथ ये जुड़े हुए हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। आचार्य तुलसी जी सब हमेशा ही सेवा भाव में विश्वास रखते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो मैं तो हनुमान मल जैन जी से यही कहूंगा कि वो अपने जीवन काल में आपने जो भी समाज के लिए सेवाएं की हैं वो बहुत सराहनीय हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए भी कुछ काम ऐसे कर जाएं कि आने वाली पीढ़ी जो है इनको याद रखे। इनके अंदर क्षमता है, मुझे विश्वास है, इनको उस क्षमता का प्रयोग करके दिखाना चाहिए कि ये राष्ट्र के लिए कोई एक ऐसा बीड़ा उठाएं जिससे कि राष्ट्र का उत्थान हो। धन्यवाद।